हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार की बात है कि एक छोटा सा राज्य होता है, उसको ना बहुत बड़ी सेना है ना घेर लेती है दूसरे राज्य की। तो होता क्या है कि अब राजा बड़ा ही परेशान रहता है, यार अब मैं कैसे जीतूंगा। तो उसका जो सबसे समझदार वजीर होता है उसको बुलाता है, कहता है ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमारी सेना है बहुत छोटी और सामने जो राज्य है उसकी सेना है बहुत बड़ी। अब मेरे को तो लगता नहीं कि हम जीत जाएंगे, बट तुम ही कुछ कर सकते हो। तो वजीर बहुत समझदार होता है, वो कहता है राजा जी आप घबराओ मत, इसका नेतृत्व तो मुझे करने दो, अब मैं आप देखना कि क्या होता है फिर। तो वो कहता है ठीक है, बहुत ही ट्रस्ट का इशू था कि उसको अब नेतृत्व तो कैसे करने थे, बट उसने उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे उसने बहुत अच्छी अच्छी डिलीवरी दी होती है, तो उसको लगता है कि यार ये इसको अभी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो वो लेके जाता है वजीर सेना को, और चलते चलते क्या करता है कि एक पेड़ के पास जाता है, कहता है सारी सेना को कहता है कि देखो ये पेड़ की बहुत बड़ी मान्यता है, अगर यहाँ पे मैं सिक्का उछालूंगा, अगर इस पेड़ ने हमें हेड्स दे दिया तो मान लो हमारी जीत पक्की पक्की है, और अगर इस यहाँ पे सिक्का उछालने के बाद अगर यहाँ पे टेल्स आया तो हमारी हार पक्की पक्की है। तो वो सिक्का उछालता है, सेना जो बहुत ही घबराई हुई थी कहती कि अभी तो हम नहीं जीत पाए, बट उनको जैसे सिक्के में हेड जाता है तो उनका जोश एकदम फुल हाई स्पिरिट, मतलब फुल लेवल पे होता है। और उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत जोर से और जोश से और बहुत ही हिम्मत से लड़ते हैं और वो एक बड़ी सी विशाल सेना को हरा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वजीर वापस जाता है राजा के पास, राजा उससे पूछता है कि यार ये कैसे हुआ कि हमारी इतनी छोटी सेना इतनी बड़ी सेना से कैसे जीत गई। तो वजीर बताता है कि इस सिक्के की वजह से। तो राजा उस सिक्के को देखता है बड़े गौर से, तो देखता है कि यार ये तो दोनों साइड ही हेड्स हैं। तो वजीर कहता है कि जब हमारा ना, तो हमें इस कहानी से मोरल क्या मिलता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे ही हम अगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेते हैं तो हम जो है नॉन अचीवेबल, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको भी अचीव कर जाते हैं। बट इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सारी चीज़ें हमारे हाथ से फिसले जा रही हैं। तो सबसे बेटर वे क्या है कि हम बीच का रास्ता लें। अब मेरे को एक कहानी और याद आ रही है गुरु गोविंद सिंह जी की। अब वो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जब फंस गए थे अपनी सेना के साथ, जब 40 जवान थे और इस साइड मुगल की सेना कई हजारों और लाखों में थी, तो उन्होंने अपने 40 जवानों को भी इतना मोटिवेट कर दिया कि वो इतने हजारों सेना से लड़ गए। तो यहाँ भी कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी, अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे बड़े बड़े, मतलब कॉन्फिडेंस ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल करके दिखा दिए हैं, जो अनबिलीवेबल जो टास्क थे वो भी करके दिखाए हैं। तो आज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाह रहा था कि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही ज़रूरी भी होता है, और कई बार क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो मान लो कि फुल स्पीड चल रही है, कई बार क्या होता है ब्रेक कर लगते हैं तो हमें गाड़ी स्लो भी करनी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी गाड़ी के अंदर हम जब बैक गियर लगाते हैं, जब उल्टे सीधे काम कर देते हैं, बैक गियर लगा देते हैं, तो बैक गियर लगाने से हमारी गाड़ी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन जा रही थी, हमें दिख रहा होता है कि गाड़ी जो है पीछे जा रही है, बट हम उसमें रेस दिए जाएंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस केस में हमारी गाड़ी जा तो पीछे रही है और हमें लग भी रहा है और हम रेस भी दिए जा रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि हम सिचुएशंस को बहुत, मतलब हिम्मत से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मात्रा में तो बहुत ही अच्छा है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो हम कुछ का कुछ कर जाते हैं, बट ये अगर हमारा गाड़ी हमारी बैक गियर में है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस वो भी कुछ का कुछ ही करा देता है। तो इसको भी बहुत ही प्यार से और बहुत ही सोच समझ के ठीक करना चाहिए। अब होता क्या है जब गाड़ी बैक गियर में जा रही है, तो हमारा क्या काम है कि हम क्लच को दबाएं। क्लच क्या होता है कि हम जो सिचुएशन है उसे अपने आप को थोड़ा सा हटा लें, अनक्लच कर लें, क्या कहते हैं ना, क्लच को दबाते हैं फिर उसके बाद गियर हटती है, गियर हटने के बाद हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद हम दोबारा से गियर नई गियर में डालते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ट्रू है बात, मतलब रिलेशंस हो चाहे नौकरी हो, नौकरी में भी कई बार हम क्या होता है कि कभी दोस्तों में, कई बार फैमिलीज के अंदर हम जो है सिचुएशंस को बहुत ही जोर लगा लगा के, मतलब फुल रेस दे दे के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो सब चीज़ें हमारे सिचुएशंस को और वर्स कर रही होती हैं। ऐसा आपने कभी भी देखा होगा कि जब पानी गंदा होता है, एक गिलास के अंदर आप पानी लो, एक शीशे के गिलास में, उसके अंदर आप उसके अंदर मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल कर उसे घुमा दो पूरी तरह अच्छी तरह,
तो अच्छी तरह घुमाने के बाद आप क्या देखोगे, तो उसके अंदर डस्ट ही डस्ट हो गया। बट हम उस गिलास को अगर और जोर लगाएं कि भैया मेरे को ये मिट्टी का एक एक कण निकालना है, पकड़ पकड़ के निकालना स्टार्ट कर दें, पकड़ पकड़ के निकालना स्टार्ट कर दें, तो इट विल टेक बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, और हमें लगेंगे, हमें ऐसा भी लगेगा कि हम कहीं जा ही नहीं रहे, मिट्टी तो वैसी की वैसी दिखेगी। बट उस सिचुएशन में अगर हम अनक्लच हो जाए उस थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए, उस गिलास और पानी को हम अगर मेज पे रख दें और अगली रात, एक रात जाने के बाद अगले दिन देखें, तो हम क्या देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है और जो पानी है साफ पानी है, मतलब इतना भी ज़्यादा साफ नहीं होता बट वो बहुत ही हद तक साफ हो जाता है और वो ऊपर आ गया है। तो ये एक मैसेज है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हम जो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हमारी जो नॉलेज है वो भी कई बार हमें चीज़ों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिला देती है, बट वो नॉलेज कई बार हमें बैक गियर में मिली, जब हमें वो बैक गियर में डालती है तो हमें उस टाइम पे थोड़ा सा अनक्लच होके, क्लच को दबा के, ब्रेक लगा के, दोबारा से गियर को चेंज करके, फिर अपना रेस दो आराम से, फिर गाड़ी अपनी आराम से स्मूथली चलेगी। और कई बार एक चीज़ और एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, एक बार क्या बात है कि हमारा खेल हो रहा था, हम जब छोटे बच्चे थे, फिर से वही बात है कि हम जब छोटे बच्चे थे बड़ी शरारतें करते थे, बट एक खेल हो रहा था, तो वहाँ पे ना एक बॉलर था, वो क्या करता था कि ना एक जगह बनी हुई थी पिच पे, क्योंकि क्रिकेट तो आप सभी ने खेला ही होगा, तो उस पिच में ना जगह बनी हुई थी कि वहाँ गड्ढे, दो तीन गड्ढे थे उसने रिकॉग्नाइज कर रखे थे, और वो बॉल हमेशा वहीं गिरता था। अब जैसे ही वो बॉल उस गड्ढे में या गड्ढों के पास गिरता, वो बॉल बड़ी ही अलग तरीके से आती, मतलब उसका पता ही नहीं है कि कहाँ आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे ये गड्ढे हैं, मेरे ये ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे मुझे ये बॉल गिरनी है, और वो वहाँ गिरता। अब पता नहीं बॉल कभी लेफ्ट जा रही है, कभी इधर जा रही है, और बॉल कभी इधर से जा रही है। तो हमारा जो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे हम खेलते हैं अपने विचारों के साथ, अपने जो भावनाओं के साथ, अपने माइंड सेट के साथ, वो भी इस तरह का बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बॉलिंग फेंक रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो बॉल भी कहीं जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, राइट चलेगी तो हम सोचते हैं कि यार ये हमारे डालने, हमारी इस पर्टिकुलर सोच की वजह से ये काम हुआ है, बट कई बार क्या होता है लेफ्ट चलेगी, अरे यार ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये किसी और कारण से हो रही है, ये पता नहीं कैसे होगी यार, ये किसी और कारण से, क्योंकि मेरे को तो ये कारण पता है, बट हम ये फैक्टर्स कभी ये भूल जाते हैं कि हमने अपने जो दिमाग का है उसकी पिच पे बहुत सारे गड्ढे कर रखे हैं। कई बार क्या होता है कि हम उस गड्ढों के ऊपर भी बॉल ऐसे फेंक देते हैं कि वो बॉल कहीं की कहीं जा रही होती है, हमें खुद ही नहीं पता होता, तो उस प्ले ग्राउंड को थोड़ा सा सुधारने की भी बहुत आवश्यकता पड़ जाती है कई बार, और थोड़ा सा हम रेगुलर अपनी माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट की ओर बढ़ें, ये थोड़ी थोड़ी हम ग्रोथ करें लाइफ के अंदर। कई बार क्या होता है कि हमारे जो दबे हुए जो विचार होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा अगर हम उनको व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं या फिर थोड़ा सा हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी एक भावना होती है कि बहुत ही चीज़ देखी गई है इंडियन सोसाइटी में कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाने की एक बहुत बड़ी होड़ सी लगी रहती है कि भैया वहाँ पे ट्रिप करा रहे हैं ऑफिस वाले, तो बड़े बड़े बच्चे जो हैं हमारे, कई बार कोलीग्स क्या होते हैं कि वो छोड़ देते हैं भाई नौकरी, रिजाइन वापस ले लिया भाई, हाँ भाई ऑन साइट मिल रहा है, तो ऑन साइट के चक्कर, क्योंकि हमारे में ये एक कल्चर के अंदर एक डीप रूटेड है कि भैया ऑन साइट है वहाँ पे कुछ अच्छा होगा, हम जाने की सोचते हैं, वो भावना हम छुपाते जाते हैं, वो भी कई डिसीजन ले लेते हैं, एक बायसिंग कर देती है इसे, डिसीजन बायस कर देती है, बट हमें इन छोटे छोटे अपनी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा हमें करते रहना चाहिए लाइफ में, हमें कभी बाहर जाना चाहिए, कभी ग्रोथ माइंड सेट के साथ जाना चाहिए कि ताकि थोड़ा थोड़ा प्लस वन रोज ही होता रहे, और उस प्लस वन से करते करते हम देखेंगे लाइफ में आफ्टर सम टाइम, 5-6 मंथ्स के बाद हम देखेंगे कि लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है और एक अच्छी ग्रोथ, जिसको आप अगर देखोगे अपनी लाइफ को अगर 5-6 मंथ्स बैक, तो आप बहुत ही ऐसा सोचोगे कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है। तो आज का मैसेज मेरा बस इतना ही है कि अपने जब हम मतलब कॉन्फिडेंस जब हम अपने अंदर जगा रहे होते हैं, लाइक हम जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो कई बार लाइफ हमें इधर उधर भी पटकती है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी अनक्लच होते हैं, ये भी बहुत ध्यान से देखना है कि लाइफ जा कहाँ रही है, या तो ये आगे जा रही है कि ये पीछे जा रही है, ग्रोथ भी हो रही है या हम जो है डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम कर तो रहे हैं कुछ, हो भी रहा है कुछ, बट हम खुश से नहीं है, मतलब लाइफ थोड़ी सी ना अनईजी सी है, तो हमें ये थोड़ा सा अनक्लच होकर ये देखना चाहिए कि लाइफ कैसे अनईजी हो रही है, और हमें उसको राइट अप्रोच के साथ लेना चाहिए। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ नरेश, हैव अ नाइस डे।